हुन्नाबाद रोड NH50 नेशनल हाईवे 50 हुन्नाबाद रोड गुलबेगा शहर में काफी ट्रेंड हो रहा है, जहां पर आपको कई सारे नए नए प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रियल एस्टेट के रहो या फिर अम्यूजमेंट पार्क जैसे एशियन फन वर्ल्ड, स्वामी समर्थ टेम्पल्स और फूड लाइन की ठेर, यानी कि ढाबों का एक स्पेशल पॉइंट फूड लवर्स के लिए एक लाइन बन चुकी है हुन्नाबाद रोड। आपको बता दें कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग रोड ये है और यहीं पर हम आपको ला रहे हैं एक ऐसी प्राइम प्रॉपर्टी जो शायद आपने जरूर देखा होगा, जी हाँ, हिल टाउन होटल। हिल टाउन होटल गुलबर्गा शहर की वन ऑफ द बेस्ट एंड सीनिक आपको ये जगह मिलेगी, जहां पर आप शानदार तरीके से अपना वक्त स्पेंड कर सकते हैं। जी हाँ, ये स्पेस रेंट और लीज के लिए अवेलेबल है, यानी कि हिल टाउन होटल आप रेंट पर या लीज पर ले सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक्चुअल में स्पेस कितनी है। होटल की अगर हम बात करें तो 1.5 एकड़ में होटल आ रही है और एक्सक्लूसिव 30 गुंटास पार्किंग एरिया के लिए रिजर्व किया गया है, जहां पर ग्रीनरी का तो कोई हिसाब नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट मेंटेन गार्डन्स और प्लांटेशन आपको यहां पर मिलेंगे। हुन्नाबाद सर्कल से अगर आप देखें तो हिल टाउन होटल आपको आएगी 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। हिलटाउन को जाने के लिए रैंप के अलावा आपको एक सेपरेट पार्किंग स्पेस है, जहां पर डायरेक्टली आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। एक सेपरेट रोड और सेपरेट पार्किंग उसके लिए दी गई है, यानी हिलटाउन को पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक रैंप के थ्रू और दूसरा सेपरेट पार्किंग के थ्रू। अगर बात करें किचन की, तो किचन बिल्कुल सामने और सभी सीटिंग्स के बीच में है, ताकि आप अपने कस्टमर्स को इजीली सर्व कर सकें। सीटिंग की अगर हम बात करें तो आपको जो ग्लास हाउसेस आ रहे हैं वहां पर आप फैमिली डाइनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको टावर्स भी वहां पर दिए गए हैं, 2-2 फ्लोर के टावर्स हैं, हर डाइनिंग आपको मिलती है और ढेर सारे के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको बनाए गए हैं, जहां पर आप आराम से अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपको एक पीछे बैंकेट हॉल भी दिया जा रहा है, एक फुल्ली स्पेशलिस्ट बैंकेट हॉल विथ लॉन गार्डन, जो कि काफ़ी बड़ा है और 500 से लेकर 1000 मेंबर्स के लिए बहुत ही काफ़ी है। उसके अलावा प्लेइंग एरियाज किड्स के लिए और ओपन स्पेस भी काफ़ी दी गई है, जहां पर आप आराम से अपने इवेंट्स को कर सकते हैं। साथ ही साथ लेडीज और जेंट्स टॉयलेट्स भी वहां पर बनाए गए हैं और स्पेशल नमाज रूम भी बनाया गया है। इन सब के अलावा भी यहां का जो व्यू है, जो हिल पर आने का जो व्यू है, वो ब्रेथ टेकिंग है, जिसकी वजह से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और आप यहां पर शानदार बिजनेस कर सकते हैं। हिल टाउन रेंट और लीज पर है, लेकिन उसके अलावा आपको बताते हैं कि 3 जगह यहां पर ऐसी हैं जो सेल पर है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये करीब 30 घंटे की प्रॉपर्टी है। ये बिल्कुल हिल पर है और वहां से जो व्यू आपको दिखता है वो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग है। 30 घंटे की ये स्पेस आपको प्राइस में आ रही है। स्क्रीन पर नंबर पे आप कॉल करके आप डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। इन सब के अलावा भी एक और प्रॉपर्टी इसमें जो आ रही है, यही एरिया में 40 फीट रोड के बिल्कुल आगे जाने के बाद ऑन द राइट हैंड साइड 8000 स्क्वायर फीट का एक आपको ब्लॉक मिल रहा है, वो भी सेल पर है। 8000 स्क्वायर फीट का ब्लॉक और 30 क्विंटल्स का ब्लॉक, ये सेल पर है। एक और स्पेस यहाँ पर जो आ रही है वो है 10000 स्क्वायर फीट, ये भी जगह सेल पर अवेलेबल है। और होटल की अगर हम बात करें तो ये रेंट और लीज के लिए अवेलेबल है। गोआश रियल्टर्स की तरफ से ये प्रॉपर्टी को वेरीफाइड और जेन्युइन तरीके से हमने आपके सामने रखा है। आपको बता दें कि यही अब लाइन बढ़ते हुए आपने हमारे लेआउट हैश टाउन को भी देखा है, जो बहुत ही वेल डेवलप की गई है, और उसके बिल्कुल पीछे भी A1 हैश फार्म्स करके भी लेआउट डेवलप की गई है। और वहां पर अब आने वाले वक्त में 3 से 4 और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हुन्नाबाद रोड एक बहुत ही लैंडमार्क रोड बनते जा रही है और ये नियरेस्ट है एशियन फंड वर्ल्ड को, स्वामी समर्थ टेम्पल को और आसपास के बेस्ट फूड जॉइंट्स को। तो आपको करना क्या होगा, स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट करें। ये प्रॉपर्टी गो हैश रियल्टर से वेरीफाइड प्रॉपर्टी है, जो जरूर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो कॉल कर इंक्वायर कर सकते हैं।